हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि तीन नंबर्स में हम लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास तीन नंबर्स ऐसे गिवन है, एक्स, वाई और जेड, और आपको इनमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम एक फ्लो चार्ट पहले बनाते हैं एंड देन हम उसको स्यूडो कोड एंड देन कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी इनपुट है ये नंबर्स एक्स, वाई और जेड। ये पैरेललोग्राम ये शो करता है कि हम इनपुट ले रहे हैं और हम यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन टेस्ट कर लेते हैं कि क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है क्या। अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि एक्स नंबर हमारा वाई से बड़ा है, तो हमें बस एक और टेस्ट करना है जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या एक्स जेड से भी बड़ा है। अगर एक्स जेड से बड़ा है तो निश्चित रूप से एक्स ही हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। तो हम इस एक्स को प्रिंट कर देते हैं शोइंग कि यही मेरा लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक्स जो है वो जेड से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में हम डिसाइड करते हैं। अब जरा हम यहाँ पे पहली वाली कंडीशन पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने एक्स को वाई से चेक किया था। और मान लेते हैं कि एक्स वाई से बड़ा नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो वाई एक्स के इक्वल हो या फिर वाई एक्स से बड़ा हो। तो मान लेते हैं कि अभी की एक्स वाई जो है एक्स से बड़ा है। अगर वाई एक्स से बड़ा है तो हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि क्या वाई जेड से भी बड़ा है। अगर वाई जेड से बड़ा है तो निश्चित रूप से वाई ही लार्जेस्ट नंबर हमारा होगा और हम वाई को फिट करते हैं। ये डिसाइड करने के लिए कि ये फॉल्स कंडीशन में क्या होगा, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू हमारी 100 है और वाई की वैल्यू हमारी 150 है और जेड की वैल्यू हमारी 200 है। तो यहाँ पे जब हमने ये कंडीशन टेस्ट किया कि एक्स ग्रेटर देन वाई है कि नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो हम इस वाले डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। और यहाँ जब हमने टेस्ट किया कि क्या वाई ग्रेटर देन जेड है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें ये डिसाइड करना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। एग्जाम्पल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जेड लार्जेस्ट नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे कि जेड ही लार्जेस्ट नंबर है। यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन होना चाहिए कि जेड इज द लार्जेस्ट नंबर। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं एक्स वाई और जेड का। लेट्स से लेते हैं कि एक्स इज 150, वाई इज 100 और जेड इज 200। इस केस में जो आपने ये टेस्ट किया कि क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो ये ट्रू है। अब आपने एक्स को जेड से चेक किया, तो 150 एक्स है और जेड 200 है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में हमें क्या दिख रहा है कि जेड ही लार्जेस्ट नंबर है। तो इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन जेड अगर फॉल्स होगा तो भी जेड लार्जेस्ट नंबर है। तो ये पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट हमें ये बता रहा है कि हमने तीन नंबर्स को कैसे चेक किया कि इसमें से लार्जेस्ट कौन है। तो इसको अगर हम कोड के फॉर्म में लिखना चाहें तो आइए हम इसको कोड के फॉर्म में लिखते हैं। और अभी हम ये प्रयास करेंगे कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज इसमें नहीं करेंगे। छोटा सा सी प्लस प्लस का, सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका प्रोग्राम बना लें। मैं सी प्लस प्लस में कोड करता हूँ, इसलिए मैं सी प्लस प्लस में इसका कोड लिख लेता हूँ। लार्जेस्ट डॉट सी पी पी से हमने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। इसके बाद हम यूजर से कुछ नंबर्स, तीन नंबर्स इनपुट करा देते हैं। जो नंबर्स हमें चाहिए वो एक्स वाई और जेड है, क्योंकि हमने पिछले एग्जांपल में भी एक्स वाई जेड के थ्रू ही समझा था, तो इसको भी हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के थ्रू ही समझते हैं। तीन नंबर्स हमने इनपुट करा लिया एक्स वाई और जेड। अब हमें टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करते समय हम सबसे पहले एक्स को वाई से टेस्ट करेंगे कि क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है। अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या एक्स ग्रेटर देन जेड है क्या। अगर एक्स ग्रेटर देन जेड है तो निश्चित रूप से तो लार्जेस्ट नंबर हमारा होगा दैट विल बी एक्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एल्स होगा कंडीशन। और अभी भी हम लोगों ने देखा इस केस में जेड लार्जेस्ट नंबर होता है। नाउ अगर एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं है तो इसका मतलब है कि वाई ग्रेटर देन एक्स है, और अगर y ग्रेटर देन x है तो हम यहाँ पे else लगाते हैं और else के कंडीशन में टेस्ट करते हैं कि अगर y ग्रेटर देन x है तो y की टेस्टिंग हमें z से करनी पड़ेगी कि क्या y ग्रेटर देन z है।
अगर ऐसा है तो हम कहें कि वाई लार्जेस्ट नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो अभी भी हम लोगों ने देखा था कि जेड ही लार्जेस्ट नंबर होगा, तो वी कैन प्रिंट जेड। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर इन द ट्री। आइए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि तीन नंबर्स हम इनपुट करें। सो लेट्स से हमने नंबर इनपुट किया 100, 150 और 200। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो 200 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जितने भी पॉसिबल टेस्ट केसेस हैं हम सभी को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे कहा कि पहला नंबर 150 है, दूसरा नंबर 120 है और तीसरा नंबर 200 है। इस केस में भी 200 लार्जेस्ट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि 200, 130 और 180, इस केस में x लार्जेस्ट है तो 200 हमारा नंबर लार्जेस्ट है। एक बार हम y को भी ले लेते हैं कि क्या y लार्जेस्ट है, क्या इसका इनपुट लेके हमने 120, 250 और 125, इस केस में 250 लार्जेस्ट है, मतलब कि x लार्जेस्ट है। तो सारे के सारे टेस्ट केसेस हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि ये सही वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम। थैंक यू।